दोस्तों, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों काफी परेशान हैं। इन्होंने एक वीडियो शेयर करके अपने फैंस से कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के शाहरुख खान यानी खेसारी लाल यादव इन दिनों काफी चर्चा में हैं। पिछले दिनों इन्होंने बिना नाम लिए कुछ लोगों पर खुद को परेशान करने का आरोप लगाया। अब उनकी बेटी की तस्वीर और उनके नाम को अश्लील गानों से जोड़ा जा रहा है। इन सब से परेशान एक्टर ने वीडियो बनाकर लोगों से कहा था कि वो एक पिता को मजबूर ना करें और ये सब घटियापन बंद कर दें। खेसारी के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। हाल ही में लाइव आकर इन्होंने अपने फैन से कहा कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या कि पिछले दिनों एक लाइव शो के दौरान एक्टर के किसी करीबी ने एक राजपूत लड़के को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद राजपूत समाज का गुस्सा खेसारी लाल यादव पर भड़क उठा। इन्होंने एक्टर की बेटी को टारगेट बनाया, उसके नाम और तस्वीरों के साथ अश्लील गानों को जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर ये भद्दे गाने प्रमोट किए जाने लगे। दोस्तों, जब ये सब खेसारी लाल यादव को पता चला तो उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी करना है उनके साथ करें, पर परिवार को छोड़ दें। दोस्तों, बावजूद इसके खेसारी को निशाना बनाने वालों ने YouTube से उनके कई गाने डिलीट करवा दिए। अब एक्टर एक बार फिर से लाइव आए और लोगों से कहें कि ये सब अगर बंद नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वो एक पिता भी हैं और ऐसे माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें ना भूख लग रही है और ना ही काम में मन लग रहा है। उन्हें पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है, उनके गाने भी चोरी हो रहे हैं। खेसारी ने कहा कि वो अभी भी काफ़ी तकलीफ में हैं। दोस्तों, बता दें, पिछले दिनों इन्होंने बड़का भैया कहकर किसी पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो उन्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि खेसारी जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पवन सिंह हैं। इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, ये जग जाहिर है। तो दोस्तों, इस वक्त की ये एक बड़ी खबर है। दोस्तों, आगे की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।